أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام عليكم, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है. अच्छा, आज के लेक्चर में मैं आपसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग डिस्कस करूंगा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद. एक ऑडिट जो किसी कंपनी में किया जाता है, किसी बिजनेस में ऑडिट होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है. इससे पहले मैंने आपको कुछ इंट्रो दिया ऑडिट के बारे में, और हमने कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स चेक की थी. ठीक है, डिस्कस की थी कि क्या हो सकता है. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट होता है, किसी बिजनेस का ऑडिट होता है, बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है और नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है. फिर शायद अब बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक स्मॉल स्केल पे है, लार्ज पे है, मीडियम पे है, बिजनेस का ऑडिट किया जा सकता है. और ये ऑडिट के बाद एक लीगल फॉर्म होती है बिजनेस की, एंड जो ऑडिटर होता है वो अपनी ओपिनियन जो होता है वो एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन, अपनी ओपिनियन देता है, अपनी राय देता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी है वो ट्रू है या नहीं. ठीक है, तो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हम कहते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकंड में हम कहते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड वन इज स्पेशल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं. आपको पता है कि ऑडिट जब किया जाता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया जाता है, और ऑडिटर अपनी एक ओपिनियन भी देता है. ठीक है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, और अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पूरी दुनिया में जो प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं हर कंपनी, उनको देख के कंपनीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती हैं, और उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ऑडिटर ऑडिट करता है. ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले है फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट. फेयरनेस का मतलब होता है कि एक्यूरेसी, स्टेटमेंट्स कितनी एक्यूरेट बनी हुई हैं. ठीक है, तो ऑडिट करने से हमें पता चलता है कि स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हैं या नहीं है. द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज टू डिटरमाइन द फेयरनेस ऑफ स्टेटमेंट्स. अच्छा, क्या है जी, आपको पता है कि अगर स्टेटमेंट्स फेयर बनी हुई हैं तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू देंगी ऑडिट का. ठीक है, लेकिन आपकी बुक में उसने एक बात डिस्कस की है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेजेंट द 100% एक्यूरेसी. मतलब जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, वो हो सकता है 100% एक्यूरेट ना हो, लेकिन हमने मैक्सिमम चीजें देखनी है, ऑडिटर ने मैक्सिमम चीजें देखनी है कि जो स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं वो फेयर है या नहीं. ठीक होगी बात. Then है prescribed laws. अभी मैंने laws की बात की आपके सामने, कुछ rules की बात की, तो auditor ने इस चीज को check करना होता है कि जो accounting के principles हैं, books of accounts में आप finance और accounts को जब regard करते हैं, तो जो international accounting principles हैं, उनको follow किया गया या नहीं किया गया, जो prescribed laws हैं, उनको follow किया गया या नहीं किया गया. जैसे for example गैप हम कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनके मुताबिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी या नहीं. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, उनको फॉलो किया गया या नहीं किया गया, इस चीज को भी किसमें चेक करना होता है, ऑडिटर में चेक करना होता है. अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं. अब आपको पता है, आप लोग अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, माशाल्लाह आप बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, टैक्स पढ़ चुके हैं. आपको पता है अकाउंटिंग में मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन में आपको पता है काफी मेथड्स हैं, जिनमें से दो बहुत मशहूर हैं, कॉस्ट मेथड एंड दूसरे को हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. अब अकाउंटिंग पॉलिसी है फॉर एग्जाम्पल, और अकाउंटिंग पॉलिसी ये है कि उन्होंने कॉस्ट मेथड को फॉलो करना है, तो ऑडिटर ने ये चेक करना है कि क्या उन्होंने कॉस्ट मेथड को ही फॉलो किया हुआ है. ये तो नहीं किया हुआ कि हाँ जी कुछ वर्किंग कॉस्ट मेथड पे कर ली और उसके बाद फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पे कर ली. इसी तरह इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोगों ने फाइफो लाइफो मेथड पढ़ा हुआ है, एवरेज मेथड पढ़ा हुआ है. ठीक है,
अब ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक मेथड बताना होता है कि हम फाइफो मेथड फॉर एग्जांपल यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तो फिर उसने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ही यूज करना है। यानी जो पॉलिसी बनाएगी ऑर्गेनाइजेशन वो उस पॉलिसी को फॉलो करेगी, और ऑडिटर ने चेक करना है कि क्या वो पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है अपने मकसद के लिए पहले फाइफो मेथड यूज किया उसके बाद एवरेज मेथड पे आ गए अपना कोई टैक्स बचाने के लिए, कोई प्रॉफिट कम शो करने के लिए, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड फोर्थ इज इंडिपेंडेंट ओपिनियन। लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ कि ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन देनी होती है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो किसी टॉप मैनेजमेंट के या फिर किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस में ना हो, कोई और पर्सन उस पर इन्फ्लुएंस ना करे, ठीक है, और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कर रहा है उसका एम्प्लॉय भी ना हो, क्योंकि वो अगर एम्प्लॉय होगा तो डेफिनेटली वो उस ऑर्गेनाइजेशन को फेवर देगा। तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसकी जो रिपोर्ट होगी ऑडिट रिपोर्ट वो भी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसने किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करना। तो ये तो कुछ बातें थी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हेडिंग्स बहुत आसान है, डिडक्शन ऑफ एरर, डिडक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ एरर, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। तो हेडिंग्स आपने याद करनी होती है, जितनी बेटा मैक्सिमम हेडिंग्स आप याद करेंगे और हेडिंग्स को अच्छा एक्सप्लेन करेंगे इतने ज्यादा आपके जो चांसेस होते हैं पास होने के, अच्छे मार्क्स लेने के, वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप एक सीक्वेंस बना लिया करें हेडिंग्स की, जैसे देखें ये सीक्वेंस बन रही है एरर्स एरर्स फ्रॉड फ्रॉड, आप डिडक्शन ऑफ एरर और प्रिवेंशन ऑफ एरर को इकट्ठा कर लें, डिडक्शन ऑफ फ्रॉड और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड को इकट्ठा कर लें, जैसे आपको आसानी हो, ठीक है। तो डिडक्शन ऑफ एरर्स, अब देखें ऑडिटर किसी बिजनेस में या किसी कंपनी का ऑडिट करने जाता क्यों है, जरा सोचे ना उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उसने वहां पर अगर अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो मिस्टेक्स उसने निकालनी है, हाईलाइट करनी है, ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट में घपला कर रहा है और उस फ्रॉड की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, तो ऑडिटर ने क्या करना है, वो फ्रॉड को भी डिटेक्ट करना है। इसके बाद प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाना। अब देखें अगर एरर निकल आए हैं तो फ्यूचर में वो एरर ना हो, इस चीज को कौन देखेगा, इस चीज को मैनेजमेंट देखेगी, ठीक है, और वो प्रिवेंट करेगी कि जो हम गलतियां कर चुके हैं पास्ट में हम फ्यूचर में वो मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। अच्छा, अब आपकी बुक में उसने एक और बात डिस्कस की है कि मिस्टेक्स होती क्यों है, मिस्टेक्स एम्प्लॉय तब करता है जब उसके ऊपर काम का प्रेशर डाला जाए, उसको वर्कलोड उसका इंक्रीज किया जाए, हैवी वर्कलोड उस पर डाला जाए, तो डेफिनेटली जब एक एम्प्लॉय से आप दो एम्प्लॉयज का काम करवाएंगे तो वो गलतियां तो करेगा, ठीक है। तो इंटरनल चेक का सिस्टम होता है, चेक एंड बैलेंसिंग का सिस्टम होता है, जो कि टॉप मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज के ऊपर रखती है ताकि वो क्या करें, एरर्स ना करें। इसी तरह मैं बात करूंगा फ्रॉड्स की, फ्यूचर में कोई फ्रॉड ना कर सके आपके बिजनेस में, ये पास्ट की बात की कि डिडक्शन ऑफ फ्रॉड, ऑडिटर ने फ्रॉड डिटेक्ट कर दिए कि हाँ जी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन की गई, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑल्ट्रेशन की गई, रिकॉर्ड्स को आगे पीछे किया गया जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हैं, आपने वो पर्सन हाईलाइट करना है और उसके बाद आपने फ्यूचर में कोई फ्रॉड ना हो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को इंटरनल चेक का सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कोई शख्स आपके बिजनेस में फ्रॉड ना कर सके। डेली बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टॉप मैनेजमेंट चेक करे, ठीक है, कैश अकाउंट्स को चेक करे, वॉचिंग टेक्निक्स होती है, जो वॉचर्स होते हैं पेमेंट वॉचर्स, रिसीट वॉचर्स, इनको डेली बेसिस पे चेक करें, रोजाना के अकाउंट्स को इक्वल करके जाए, ठीक है। जैसे आप देखें बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल वो 4 महीने, जी बेटा इंटरनेट इशू हो गया था, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं आपसे प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड डिस्कस कर रहा था और आपको एग्जांपल दे रहा था कि इंटरनल चेक का सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, और बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा होगा कि लोग लेट बैठ कर जब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उनकी डेली ट्रांजेक्शन टैली नहीं हो जाती उस पर तक वो लोग अपने घर को नहीं जाते, ठीक है। तो फ्यूचर में कोई
फ्रॉड ना करे, इस चीज को प्रिवेंट किया जाता है। आप कौन प्रिवेंट करेगा, इस चीज को मैनेजमेंट मेक श्योर करेगी। नेक्स्ट है स्पेशल ऑब्जेक्टिव। अब स्पेशल ऑब्जेक्टिव में आप देखें, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑडिट। अब बेटा मैनेजमेंट ऑडिट अपनी हेडिंग को खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑडिट क्यों किया जाता है। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, सिंपल बात समझ आ गई। टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट क्यों किया जाएगा? टैक्स ऑडिट इस मकसद के लिए किया जाएगा कि हमने जो टैक्सेबल इनकम बिजनेस में डिटरमाइन की है, कैलकुलेट की है। आप लोग इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपने देखा है कि जब बिजनेस का टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, टैक्सेबल इनकम किसी बिजनेस की कैलकुलेट की जाती है, तो उस पर एफडीआर को टैक्स पे किया जाता है। अब एफडीआर की सेटिस्फेक्शन कहाँ से होगी अगर वो टैक्स ऑडिट हुआ होगा कि हाँ जी इनके बिजनेस का जो प्रॉफिट है, जो इनकम है जिस पर ये टैक्स दे रहे हैं, वो ट्रू है या नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, देन नेक्स्ट हेडिंग है सोशल ऑडिट। अब देखें, एक बिजनेस है, वो जब कोई भी फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल, वो काम कर रही है, तो उसने अपना वेस्टेज इस जगह ऐसी जगह पर नहीं फेंकना जिसकी वजह से सोसाइटी को कोई तकलीफ हो, कोई हार्मफुल हो सोसाइटी के लिए। तो इस चीज को चेक करने के लिए कि जो बिजनेस है वो सोशल जो है सोसाइटी को कोई हार्मफुल चीजें तो नहीं प्रोवाइड कर रहा। इन अदर वर्ड्स कहना चाहिए कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई बिजनेस हार्मफुल चीजें तो नहीं वेस्ट कर रहा, तो ताकि हमारा क्या हो, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो, इसके सोशल ऑडिट किया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट। अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपने पढ़ी है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं और आप किसी बिजनेस के जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो हमने एक चीज आपको पढ़ाई है बार बार कि बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑडिट हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट के लिए भी कि वो फ्यूचर में किस तरह इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह हमारी प्रोडक्शन में एफिशिएंसी ला सकते हैं। ठीक है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल पहले हम एक चेयर बनाते थे, एक चेयर की पर चेयर कॉस्ट ठीक है 1000 रुपीज आती थी। नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक की, कहाँ कहाँ हमारी कॉस्ट ज्यादा इंकर हुई, उस कॉस्ट को कम करके हो सकता है फ्यूचर में हम 900 रुपीज पर चेयर प्रोड्यूस करें। यहाँ से क्या होगा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा कम होगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा। अगर हम 1000 की चेयर बनाते थे और उसको मार्केट में 1500 की चेयर करते थे, तो अगर हम वो चेयर 1000 की बजाय 900 में बना लें और हम क्या करें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, यानी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी हमारी वेस्ट हो रही थी उसको हम रिड्यूस कर लें, तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट मार्जिन 500। अच्छा बेटा इंटरनेट का फिर इशू हो गया था, चलिए मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए ये जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, आप इनमें इनपुट करते हैं रिसोर्सेज को। ठीक है, तो अगेन वही बात जो भी मैंने कॉस्ट ऑर्डर में बात की कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए ताकि प्रॉफिट मार्जिन हाई हो, तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो मिसयूज नहीं होने चाहिए। बिजनेस ऑपरेशंस में जो आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, यानी ऑपरेशंस ऑडिट का पर्पस क्या होगा कि जो बिजनेस ऑपरेशंस में आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो मिसयूज नहीं होने चाहिए। इन अदर वर्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि आपकी आउटपुट की जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो सके। अच्छा, बिड ऑफर, बिड का मतलब होता है सेल करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेस सेल हो रहे हैं उसकी बिड लग रही है, बोली लग रही है, आपने वर्ड सुना होगा। ठीक है, तो जब कोई बिजनेस सेल होने जा रहा होता है तो हमने उस बिजनेस की फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। आपकी बुक में रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस का वर्ड यूज हुआ है, तो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू के उसके एसेट, उसकी लाइबिलिटीज अब कितनी है। ठीक है, इसी को मैं साथ लिंक करूंगा परचेस कंसिडरेशन के। जब कोई बिजनेस परचेस करना चाहता है और एक बंदा सेल करना चाहता है, तो इन दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है ऑडिटेड अकाउंट्स। ठीक है, अब जब ऑडिट होता है तो आपको क्या पता चलता है, किसी बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यू पता चलती है कि हाँ जी वो एसेट्स की वैल्यू कितनी है और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है और हमें इस बिजनेस को कितनी अमाउंट में परचेस करना चाहिए। परचेस कंसिडरेशन का मतलब होता है
कितनी अमाउंट में परचेज करना चाहिए, फिर लोन देखें, आप लोन लेने जा रहे हैं बैंक आप पे ट्रस्ट करेगा, अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट नहीं हुआ होगा, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट हो जाए तो उसके बाद बैंकिंग सेक्टर भी आपको ट्रस्ट करके लोन दे देते हैं, ठीक है, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है स्ट्रांग है, आप प्रॉफिट जनरेट करने वाले बिजनेस हो, इसलिए वो आपको लोन में भी आसानी मिल सकती है, ठीक है, बल्कि मिलती है। देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन का मतलब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, आप देखें पार्टनर अगर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेगा तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, उस बिजनेस की गुडविल देखेगा, उसका प्रॉफिट देखेगा, अब ऑडिट हुआ होगा, ऑडिट की वजह से उस पार्टनर को जो नया पार्टनर बिजनेस में इन होने जा रहा है वो सेटिस्फेक्शन होती है उसको, यार मैं इस बिजनेस में इन हूँ या ना हूँ, मैं इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ, ठीक है, तो ऑडिटेड अकाउंट्स क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। देन लास्ट वन इज प्रॉफिट, अब देखें प्रॉफिट जो होता है उसकी चेकिंग कैसे होती है, ऑडिट से होती है, अब ऑडिट से प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी हो सकती हैं, एक साल आपका प्रॉफिट कम था, अगले साल ज्यादा हो गया, फिर अगले साल कम हो गया, तो मैनेजमेंट ये देख सकती है कि क्या ट्रेंड है, किन चीजों की वजह से हमारे प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ठीक है, इस चीज को वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि अगर किसी साल हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो प्रॉफिट हमारा कम ना हो बल्कि हम अपने प्रॉफिट को मेंटेन रख सकें, ठीक है बेटा, आज का ये मेरा लेक्चर था, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई इशू होता है आप लोग ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बेटा नमाज पढ़ा करें, अल्लाह से मदद मांगा करें, बगैर अल्लाह की मदद के और नमाज के आप कामयाब नहीं हो सकते, दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें और हमारे मुल्क के हालात पर रहें फरमाएं, अल्लाह हाफिज़।